नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है, तो आइए हम इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि लगातार जो है कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा था मध्य प्रदेश में, अब उसके बाद जो है कि अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आइए उत्तर प्रदेश रामपुर से जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि मानदेय वृद्धि और जो है कि उन्नति को लेकर और भी उनकी अन्य मांगे हैं जिस पे जो है कि उनकी आवाज़ उठाई गई है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में बेहद ही कम मानदेय मिलता है, उसको लेकर जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि आवाज़ उठाई गई है कि हमारे मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए और जो है कि पदोन्नति होनी चाहिए। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मानदेय में वृद्धि होना चाहिए, रिटायरमेंट पर जो है कि एक मुश्त जो है कि धनराशि मिलनी चाहिए, उसके बाद जो है कि कुछ उनको पेंशन की भी बात यहाँ पे कही गई है। तो आइए इसको हम पूरे विस्तार से देखते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या क्या मांगे हैं, इस पे आप जो है कि अपना राय जरूर दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको हेडलाइन दिख रहा होगा कि कार्यकर्त्रियों को भी मिले राज्य कर्मचारी का दर्जा, तो कार्यकर्त्रियों द्वारा जो है कि ये मांग की गई है कि कार्यकर्त्रियों को राज्य कर्मचारी का जो है कि दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद जो है कि इनकी अनेक मांगे यहाँ पर क्या क्या हैं जो है कि आइए हम इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के सम्मेलन में राजकीय कर्मचारी का दर्जा, पदोन्नति और मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगें उठाई गई। अंबेडकर पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चहल ने कार्यकर्त्रियों का हौसला बढ़ाया, अपनी मांगें पूरी करने को एकजुट होने की अपील की। तो ये तो सही बात है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि आप लोग जो है कि अपने मानदेय वृद्धि को लेकर और सेवा शर्तों में सुधार को लेकर जब तक आप लोग जो है कि एकजुट नहीं होंगी, तब तक जो है कि सरकार द्वारा कुछ भी जो है कि आपको नहीं दिया जाएगा। जो है कि जैसा कि हम आपको बता दें कि कुछ कार्यकर्ताएँ जो है कि धरना प्रदर्शन पर रहती हैं, तो कुछ कार्यकर्ताएँ जो है कि केंद्र खोलकर जो है कि केंद्र संचालन करती हैं। ऐसे जो है कि नहीं होगा, आप लोगों को जो है कि एकजुट रहना पड़ेगा, तभी जो है कि सरकार जो है कि आपके मानदेय में वृद्धि कर सकती है या सेवा शर्तों में सुधार कर सकती है। इसको लेकर जो है कि यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर उसके बाद कहा गया है कि जिला अध्यक्ष मिथिलेश चौधरी ने कहा कि कार्यकर्त्री की आर्थिक स्थिति दयनीय है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जिला सचिव समीना वी ने कहा कि पड़ोसी राज्य सरकार कार्यकर्त्रियों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्त्रियों को खाली हाथ जो है कि रिटायर किया जा रहा है। उसके बाद जो है कि सम्मेलन में राज्य कर्मचारी का दर्जा, मानदेय बढ़ाने, रिटायरमेंट के दौरान एकमुश्त राशि और पदोन्नति देने की भी मांग की गई है। इस मौके पर सोमवती कमलेश, गंगावरी सुषमा रानी, अनीता, निर्मला पांडे, आशा मंजू सक्सेना, ऐसे करके जो है कि आदि कार्यकर्ताएं जो है कि मौजूद रहें। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ये सही बात कही जा रही है कि पड़ोसी राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि खाली हाथ जो है कि रिटायरमेंट किया जा रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहीं आपको राजस्थान सरकार द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में जो है कि वृद्धि भी की गई है, उसके बाद जो है कि रिटायरमेंट पे जो है कि एक मुश्त राशि देने की भी घोषणा की गई है। उसके बाद हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि किया गया है और जो है कि अन्य भी उनके सेवा शर्तों में सुधार की गई है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं दिया गया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि पूरे देश में अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कम मानदेय है तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय दिया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6000 रुपया और जो है कि बिहार राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5950 रुपया दिया जाता है। इसके सिवाय अन्य राज्यों में अगर देखा जाए तो अन्य राज्य में सबसे ज़्यादा जो कि दिया जाता है वो जो है कि यहाँ हरियाणा में दिया जाता है, दिल्ली में दिया जाता है ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। तो क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ वहाँ से कम काम करती हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ अगर एक समान काम करती हैं तो एक समान जो है कि मानदेय होनी चाहिए हर राज्य में, जो कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाता है, मुहज 6000 रुपया में ही इनको रखा गया है। तो इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि ये अपने आवाज़ उठाई गई है कि हमारे जो है कि मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, रिटायरमेंट के दौरान जो है कि एक मुश्त राशि दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ 10 साल से अपनी सेवाएँ दे रही हैं उनकी जो है कि सीधे पदोन्नति की जानी चाहिए। इस तरह की जो है कि अन्य मांगों पर भी जो है कि इनकी आवाज़ उठाई गई है। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि मांग की जा रही है, इस पर आप लोग अपनी राय जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ क्या ये जो है कि मांगें इनकी सही है या नहीं है।
तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है रामपुर से, जो कि हम आपको पूरे विस्तार से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।